सो हेलो गाइज, आज मैं आपको ये न्यू वीडियो ये कह चुका हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या क्या न्यू आज आया है आज के दिन में। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको न्यू जो कह सकते हैं मल्टीप्लेयर मोड मिला है, जो कि एक तो स्टिक एंड स्टोन्स, जो कि मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि मैंने खेला, जो कि मेरे को फिर बाद में अच्छा लगा। एंड इसके अंदर आपको केवल नाइफ दिया जाता है और बाद में आपको एयर ड्रॉप की जगह इस पे को दिया जाता है। ये आता है फिर गुलाग मैप, ये भी अच्छा मैप है अगर आप लोगों को अपनी जो कह सकते हैं रैंक एक्सपी है वो बढ़ानी है तो उसके ये अच्छा है। एंड इसके अंदर 2v2 या फिर 1v1 भी होता है। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि बैटल रॉयल मोड में, सो इसके अंदर भी आपको कई सारे न्यू मोड्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वही हो जाओ अपन, ये देखो, एक तो स्नाइपर चाहिए जो आपको दिया जाता है। इसके अंदर आपके अगर क्योंकि स्नाइपर एंड देन आपको एक पिस्टल दी जाती है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं दी जाती है। और ये वाला न्यू मोड वॉरफेयर, जो कि जिसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है अपने चैनल पे, आप उसको ढंग से देख सकते हो। आपको अगर ये वाला मोड खेलना नहीं आता है तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं मेरा कि वॉरफेयर मोड क्या है, सो ये कर लिया जाएगा। एंड देन अगर मैं बात करूँ इवेंट सेक्शन की, सो डेली इवेंट्स में तो आपको कोई ज़्यादा खास नहीं दिया गया है। सीजनल इवेंट के अंदर सबसे पहला इवेंट आपको देगा केडी क्रिटिकल, जो कि चॉपर की एक स्किन तो नहीं कहूँगा, लेकिन चॉपर आपको एक गन दी जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, सो अगर मैं इसको एक बार कंपेयर करता हूँ भाई, क्योंकि इसके अंदर ना 100 गोलियाँ लगती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको RPD से कंपेयर करूँ, क्योंकि मेरी RPD एकदम फेवरेट करना है। तो अगर मैं बात करूँ डैमेज दोनों का सेम है, इसके अंदर भी 100 गोली लगती है, इसके अंदर भी 100 गोली लगती है। बस फर्क इतना है कि चॉपर के अंदर आपको ओनली एंड ओनली ADS देना पड़ेगा एंड विदाउट स्कोप के आपको मारना पड़ेगा, सॉरी फॉर माई वॉइस। एंड लेकिन दूसरी चीज़, RPD के अंदर आप फायर दे सकते हो। देन सेकेंड थिंग, इसका फायर रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका ADS सिस्टम बहुत अच्छा है, आप ADS की जगह बहुत अच्छा मार सकते हो, सो आपको RPD की जगह चौपक लेना चाहिए। एंड देन एक्यूरेसी RPD की अच्छी है, मोबिलिटी दोनों की सेम है, रेंज मैं कहूँगा कि RPD अच्छी है, लेकिन चौपक की भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, आप एकदम मैप के 50% हिस्से तक आप मार सकते हो भाई। सो चौपक भी एक बहुत अच्छी गन है, चाहो तो काम भी ये ना। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि डबल के मेडल लेना है, ट्रिपल के मेडल लेना है, सर्वाइवल के मेडल लेना है, 200 मेडल अचीव करने हैं भाई। आपको मैं एक सीधा सा काम बताता हूँ, मल्टीप्लेयर मोड में जाओ, इसके अंदर आप लोग देखो, एक मिनट में का ये लोडिंग हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे जाओ, आप अटैक ऑफ अंडेड खेलो, गुलाग मैप खेलो, तनिशिया मैप खेलो, चाहो तो टीम डेथ मैच खेलो, कोई भी मोड खेलो। इसके अंदर आपको ज़्यादातर बोट्स मिलेंगे, नहीं फिर ना जो न्यू प्लेयर्स है वो मिलेंगे भाई, जिसको कि आप अच्छे से मार सकते हो। आप ट्रिपल के 6K ऐसे बहुत सारे चीज़ें निकाल सकते हो भाई, आपसे हो जाएगा, मैं जानता हूँ आपसे हो जाएगा। फिर आता है हमारा ब्रदर इन आर्म्स, जो कि एक कोइंग कार्ड है भाई, आपको मेन कोइंग कार्ड मिलेगा, जो कि बहुत ही एकदम OP मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसके अंदर आपको 10 मैच विद फ्रेंड्स खरीदने हैं, पैक्ट कर, ये बहुत सारी चीज़ें भाई आपको मिल जाएगी, ये RPD की स्किन भी मिल जाएगी आपको। फिर ये तो मेरे को मिल चुका है। एंड ये थी भाई आज की वीडियो, और एक और न्यू वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी के कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वो top 20 फैक्ट्स होंगे। उसके अंदर मैं आपको वो चीज़ें करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो उसको एकदम पूरे कन्फर्म हो वो फैक्ट्स, मैंने खुद काम में ही है। और भाई अगर मैं उनको सभी को स्टिच करने बैठूंगा तो भाई मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि मैं उनको स्टिच कर पाऊँगा। मैंने 3 बार ट्राई किया है लेकिन वो स्टिच नहीं हो गया, और भाई बार बार में सॉफ्टवेयर का कैसा हो जा रहा है। सो भाई आप चाहो तो उनको खुद से काम में ये कि देख सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वैसे फैक्ट्स ही बताऊंगा। सो बाय बाय गाइज।